हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपके लिए 650 GDS की वैकेंसी लेके आया है। जी हाँ, 650 वैकेंसीज़ हैं ग्रामीण डाक सेवक की, जो देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पर। अप्लाई करने के लिए आपको साइट दी गई है ippbonline.com। आप इस साइट पे जाके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी देखिए 650 पोस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि क्या ये वैकेंसी जो अभी एक हफ्ते पहले निकली थी 38,926 वैकेंसी, क्या वही है? जी नहीं, ये वैकेंसी बिल्कुल सेपरेट हैं। इसमें 10वीं पास था, कोई एग्ज़ाम नहीं था और 38,000 वैकेंसी थी। लेकिन इस वाली जो पोस्ट है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप IPPB में, जो 650 की GDS की वैकेंसी है, वो उससे पूरी डिफरेंस है। और देखिए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका पेमेंट स्ट्रक्चर एंड कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है, सब कुछ चीज़ें पूरी तरह से डिफरेंस हैं। तो इस वीडियो में हम उस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। पूरी सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी, क्या आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए या नहीं है। देखिए, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक जुड़े रहिएगा। आपको एक एक जानकारी पूरी इत्मीनान से आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो कोई भी ऐसा सवाल आपका नहीं रहेगा जो इसके बाद आप नहीं जान पाएँ, क्योंकि बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो इस टाइप की कह सकते हैं बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन छोड़ रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या मैं ये फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ जो आपको परेशानी हो। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है। नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। अकॉर्डिंग टू द नोटिस, 650 ग्रामीण डाक सेवक हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, यहाँ पर जो पूरा क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन जो है 10 मई से शुरू हो चुका है, यानी 10 मई से ये 20 मई तक प्रक्रिया चलेगी। ऑनलाइन पेमेंट जो है इसी बीच में आपको करना है। तो देखिए, टोटल मिला के 10 दिन ही आपके पास हैं। 10 दिन में आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट फी देना है, सब कुछ ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद लास्ट डे ऑफ फाइनल सबमिशन, देखिए ऑब्वियस ही बात है, तो 20 मई लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पर। फीस के साथ आपका सब कुछ यहाँ पर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके लगभग एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम लगता है जब आपने सबमिट किया है कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका बन जाएगा। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड क्रिएट होता है, आप उसको डाउनलोड करना होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो एक टेंटेटिव डेट है कि जून 2022 में ये एग्ज़ाम आपका होगा। आपका कॉल लेटर इशू किया जाएगा, एडमिट कार्ड बनेगा और रिजल्ट भी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जून या मैक्सिमम जुलाई में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी देखिए, 3 महीने के अंदर, अगर मैं कहूँ 2 से 2.5 महीने के अंदर ही आपका एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब है IPPB रिक्रूटमेंट। अगर वैकेंसी की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया, टोटल 650 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए, 34 वैकेंसीज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में 71 हैं, 32 मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ जहाँ भी जिस स्टेट का आपको चेक करना है, यहाँ पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो देखिए, एज ऑन 30 अप्रैल 2022 में मिनिमम एज है 20 साल और मैक्सिमम एज है 35 साल। तो ये दोनों आपके लिए हैं। अगर आपका एज रिलैक्सेशन है, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपका जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल के अनुसार है, अगर 5 साल है, 7 साल है, तो वो आपके यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो है ग्रेजुएट है, जबकि जो लास्ट वैकेंसी थी जो मैंने आपसे बात की थी 38,000, उसमें जो है 10th+ पास था। यहाँ पर आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे क्या ग्रेजुएट होने से काम नहीं चलेगा, आपका मिनिमम एक्सपीरियंस जो है, आपने 2 साल तक GDS के रूप में काम किया हो, यानी आपको ग्रामीण डाक सेवक का 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसका मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब यहाँ पे सवाल निकल के सामने आता,
कैन फ्रेशर्स अप्लाई फॉर IPPB GDS पोस्ट, क्या जो फ्रेशर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा जी नहीं, जो फ्रेशर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो ऑलरेडी ग्राम इन डाक सेवक में कार्यरत हैं, 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो देखिए वही केवल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट सभी के लिए नहीं है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है 700 रुपीज़ रखी गई है। यहाँ पर कोई भी किसी को छूट नहीं है, आप SC ST जनरल OBC जो भी कैटेगरी में आते हैं आपको ये फ़ीस पेमेंट करना ही करना है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, पे एंड अलाउंस आपका 30,000 रुपये जैसे मैंने आपको बताया, और उसके साथ भी आपको कुछ यहाँ पर अलाउंसेज दिए जाएंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वुड इनिशियली बी एंगेज्ड, और एक देखिए बहुत और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सामने आ रही है, जो सेलेक्ट होंगे इनिशियली 2 साल के लिए उनको भर्ती किया जाएगा और ये 1 साल और बढ़ सकता है, तो यानी मैक्सिमम 3 साल के लिए ये पोस्ट यहाँ पर होने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट बैंक्स। तो जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है बैंक की ये आपके लिए होने वाली हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे। 120 क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं अवेयरनेस अबाउट IPPB प्रोडक्ट्स, तो 20 क्वेश्चंस होंगे। जितने क्वेश्चंस हैं आप देखेंगे उतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। बेसिक बैंकिंग सिस्टम अगर आप देखें 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15, कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन, डिजिटल पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन, बैंकिंग टेलीकॉम 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप देखेंगे तो देखिए 20 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल 120 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपको देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40 मार्क्स हैं, अगर 40 मार्क्स से आपका कम है तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर सकते हैं, तो 40 मार्क्स यहाँ पर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग रहेंगे। ड्यूरेशन जो है यहाँ पर 90 मिनट्स है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए पूरा पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, एक्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अलावा, यानी पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा आपका। IPPB रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम विच विल बी इंटीमेटेड थ्रू बैंक वेबसाइट, अगर कुछ भी ऐसा चेंज होता है, देखिए IPPB के पास अधिकार है कि वो कभी भी एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंटीमेट किया जाएगा बैंक की वेबसाइट पर। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, कोई भी फ्रेशर इसके लिए नहीं कर सकता है। 10 मई से शुरू होकर 20 मई के लिए लास्ट डेट जो है 20 मई है, 700 रुपये फीस है, 20 से लेकर 35 साल की उम्र तक किसको फिलअप करना है। और देखिए ये जो भर्ती है 3 साल के लिए एंगेजमेंट टर्म जो पीरियड है उनका 3 साल के लिए है, 2 साल प्लस 1 साल। और देखिए इसका क्या है, 6 महीने बाद आपका असेसमेंट होगा, अगर असेसमेंट में आपको लगता है कि भाई आप सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं कर रहे हैं, फिर दोबारा भी एक बार ऐसा, अगर 2 बार आपका देखा गया असेसमेंट और देखेंगे कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको 1 महीने के प्रायर नोटिस के आधार पर निकाला भी जा सकता है। तो ये सारी ऐसी जानकारी थी जो इस वीडियो में मुझे आपको देनी थी, और देखिए बिल्कुल बारीक बारीक जानकारी, क्योंकि आप कहीं भी YouTube पे भी अगर और चैनल्स देखेंगे तो वो आपको इसकी केवल पॉजिटिव चीज़ें बता रहे हैं, इसका जो नेगेटिव पार्ट है या जो इसका एक ऐसा पार्ट है जो छिपा हुआ है वो आपको नहीं बताया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बिल्कुल सटीक और संपूर्ण जानकारी दी है। अगर फिर भी किसी को किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।